बड़े नेता संजय सिंह के खिलाफ उनका मुकदमा बनाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको 6 महीने रखा गया और ये बयान दिया गया कि उनके खिलाफ सबूत है। क्या वो एजेंसी देश की प्रीमियर एजेंसी आके कहेगी इनको बेल दे दीजिए क्योंकि हमको ऑब्जेक्शन नहीं है। ईडी जो ये कह रही थी कि हमारे पास सबूतों का अंबार है, आज खुद कहती है कि जी इनको बेल दे दी जाए क्योंकि सबूत नहीं है। ईडी को पता था और उनको जानकारी थी कि वो कोई कोर्ट में कन्विंस नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ एडवोकेट ऋषिकेश जी हैं, जो लंबे समय से संजय सिंह के केस में ही दिखे जा रहे थे, बाकी केसों को तो हैंडल कर ही रहे थे। सर, एक बड़ी तपस्या थी आपकी, सुप्रीम कोर्ट ने आज आपको सुना और जमानत दे दी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ईडी ने विरोध नहीं किया। ये बड़ी जीत है और जीत इसलिए भी है क्योंकि आज देश के सर्वोच्च न्यायालय में ईडी जो है पूरी तरीके से उनका पर्दाफाश हो गया। इस केस के को लेकर जो एक माहौल बनाया गया था वो पूरी तरीके से, जो एक स्मोक स्क्रीन जो बनाई गई थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई क्योंकि ईडी जो ये कह रही थी कि हमारे पास सबूतों का अंबार है, आज खुद कहती है कि जी इनको बेल दे दी जाए क्योंकि सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 6 महीने तक आपने उनको रख लिया और आप बताइए कि कब तक रखना है। देखिए, इसको दो हिस्सों में अगर आप देखें, जब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल माननीय जजेस ने ये उनको साफ साफ कह दिया कि संजय सिंह के खिलाफ कोई केस नहीं बनता, जो आपके आरोप हैं निराधार हैं और उसके कोई तथ्य मौजूद नहीं है, आप जो है इस पे कहिए, या तो हम आदेश पारित करेंगे या फिर आप बताइए कि उनको आप रखना चाहते हैं जेल में कि नहीं। ईडी को पता था और उनको जानकारी थी कि वो कोई कोर्ट में कन्विंस नहीं कर पाएंगे। ये सब देखते हुए कोर्ट में उन्होंने कंसीड किया और उन्होंने बिल्कुल अपोज नहीं किया उनके बेल को। ऋषि जी, आप तो ईडी के तमाम केसेस को हैंडल कर भी रहे हैं, संजय सिंह का केस चाहे ट्रायल कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, क्या मटेरियल था जो अब ईडी कह रही है कि कोई मटेरियल नहीं है, और जो बड़े नेता अभी भी हैं, मनीष हैं, अरविंद हैं, क्या लगता है कि इस फैसले का असर उन पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, ईडी आज तक पिछले जब से ये 1.5 साल हो गए, 6 जो है इन्होंने सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर दी, 500 गवाहों का बयान ले लिया, लेकिन जैसे कि संजय सिंह के केस में कोर्ट ने, आपने देखा होगा, पूछा कि भाई जो एलिगेशन है कि 2 करोड़ रुपए लिए, ना तो कोई रिकवरी है, ना तो उसका कोई जो है आपके पास प्रमाण है, किससे लिए, किसको दिए, इसलिए सिर्फ बयानों के बेसिस पे, तो पूरा केस ही तो यही है। ना तो मनीष सिसोदिया जी के केस में कुछ मिला, ना तो जो है संजय सिंह के केस में कुछ मिला, ना अब उन्होंने जो है माननीय अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया उनके केस में कुछ मिलेगा। तो ये पूरी तरीके से ईडी का केस जो है ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। ये जो पूरा किला इन्होंने बनाया हुआ है झूठ का, वो आज उसकी जो है शुरुआत हो चुकी है, नींव हिल गई है। आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव चल रहा है, संजय सिंह बाहर आ रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे? बिल्कुल लेंगे। कोर्ट में ईडी को इस बात का डर था, वो डर वहां से था जब इनसे गिरफ्तारी जिसकी वजह से की थी। कोर्ट में ईडी ने कहा कि इनको बोलने से रोक दिया जाए, इनको जो है नहीं बोलने दिया जाए। कोर्ट ने कहा ये पॉलिटिकल जो है व्यक्ति हैं, ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, इनकी राजनीतिक गतिविधियों पे कोर्ट जो है कोई रोक नहीं लगा सकती, और उसके बाद जो है कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दी। तो संजय सिंह बोलेंगे खूब ईडी को? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक वकील के नाते ये भी बता दूं कि देखिए, जब मामला सब जुडिस होता है, अगर कोई मामले में आपकी जो है गिरफ्तारी होती है और आपको बेल मिला होता है, तो उस मामले में खुद तक लेकर जो आपके खिलाफ मामला है उसको लेकर आपको संयम बरतना पड़ेगा। लेकिन जो इसके अलावा मामले हैं, जो राजनीतिक मुद्दे हैं, उस पे वो अपनी प्रखरता से जो है अपनी बात रखते हैं। इस पर इम्पैक्ट तो पड़ा क्योंकि अब संजय सिंह बाहर है, तो केस कहीं ना कहीं ईडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग अपने आप को बनाने की कोशिश करेगी। देखिए, ये तो सवाल आपको उनसे ये पूछना पड़ेगा कि जिस केस में आपने इतने दिनों से इतना माहौल बनाया हुआ था कि हमारे पास पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, आपने जो है कुबेर का खजाना लेके बैठे हुए थे, पता नहीं क्या उन्होंने जो है माहौल बनाया हुआ था, आज 2 मिनट में भी वो उनका केस नहीं, मतलब वो आके विरोध भी नहीं किया, कहते जी बेल दे दीजिए, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। ये दिखाता है, और ये आप अपने चैनल के माध्यम को लोगों को बताइए कि किस तरीके से ये धराशायी हुई। संजय सिंह एक बड़े नेता, संजय सिंह के खिलाफ इनका मुकदमा बनाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको 6 महीने रखा गया, और ये बयान दिया गया कि उनके खिलाफ सबूत है। तो क्या जिसके व्यक्ति के खिलाफ इतने सबूत मौजूद होंगे, क्या वो एजेंसी देश की प्रीमियर एजेंसी आके कहेगी इनको बेल दे दीजिए क्योंकि हमको ऑब्जेक्शन नहीं है? ये बड़ी बात है जी। साफ तौर से संजय सिंह को अब 6 महीने के बाद जमानत मिल गई है, अब संजय सिंह
जेल से बाहर आएंगे। हालांकि जो शर्तें रखी गई हैं वो ट्रायल कोर्ट तय करेगा, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा हो सकते हैं संजय सिंह। ईडी ये कह रही थी कि उनको फिलहाल इतनी ज्यादा आजादी ना दी जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो वो बोलना उनका काम है, वो बोल सकते हैं, यानी कि लोकसभा चुनाव में। अब संजय सिंह कहीं ना कहीं बोलते हुए नजर आएंगे और जेल से बाहर भी आएंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।